रैली में मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रैली कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर गड़ाकोटा थाने में नजरबंद कर दिया। दरअसल रैली विधानसभा में कांग्रेस मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध कर रही थी। पुलिस को अंदेशा था कि कांग्रेस मुख्यमंत्री की रैली दौरे पर कोई हंगामा कर सकती है। इसी बात को लेकर आज गड़ाकोटा और रैली के कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता जीवन पटेल ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया है। देखिए, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे अरबों के काम हुए हैं जो रिकॉर्ड में तो हैं और पैसा खर्च किया गया लेकिन काम नहीं हुए। उन कामों को लेकर हम लोग वहाँ जाके पूछना चाहते थे कि यहाँ अरबों का भ्रष्टाचार क्यों हुआ। तो अब ये बात तो हमें नहीं समझ में आई कि ये पूछने जाने देना चाहिए था। हमारा काली झंडा दिखाने का नहीं था, एक्चुअली हम लोगों का था यहाँ की भ्रष्टाचारी जो मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल में उनके से भ्रष्टाचार क्यों करवाते हैं मुख्यमंत्री जी, ये बात कहने हम लोगों को जाना था। और ऊपर से यहाँ एक परिवार के जो नायक परिवार की जमीन को उन्होंने दबा लिया, जबकि कई सरकारी जमीनें उनने दबा ली लेकिन यहाँ एक निजी भूमि दबा ली। तो इसके लिए नायक परिवार को भी हम लेके जाना चाह रहे थे उनके सामने कि इस तरह का अत्याचार आप अपने कैबिनेट के मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी से कब तक करवाओगे, इनसे पूछिए क्यों ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं, अनाचार करते हैं। उसको उन्होंने और अभी हम लोगों ने जो फर्जी वोटिंग की बात कल भी की है वहाँ जाके, यहाँ पर वो कम से कम 20,000 फर्जी वोट करके जीतती है। तो ये भी बताना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपका ये कैबिनेट मंत्री जी जो हैं ये फर्जी वोटों पर जीतते हैं, चोरी करते हैं वोटों की, ये बात कहने हम लोग मुख्यमंत्री से। वहाँ जा पाए नहीं जा पाए, कहाँ जाने दिया, यहाँ प्रशासन ने हमें यहीं रोक लिया। क्या गिरफ्तार किया है? क्या गिरफ्तार किया? अब रोका है, अभी तो हम लोगों के नाम पता लिखे गए हैं, तो गिरफ्तारी है। क्या मानते हैं उस कार्रवाई कैसे? हम लोग लोकतंत्र के गतिविधियों को दमनकारी मानते हैं कि पंडित गोपाल भार्गव और माननीय मुख्यमंत्री जी के दबाव में ये दमनकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमनकारी कार्य कर रही है, हम लोगों को अपनी स्वतंत्रता से बात नहीं करने दे रही। माननीय ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।